टोयोटा कंपनी की जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, इसको ना ही सिर्फ इंडिया में पसंद किया जाता है बल्कि और भी देशों के अंदर से काफ़ी पसंद किया जाता है। और भी देशों के अंदर मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की भी, जिसको काफ़ी क्लैश चलता है इंडिया के साथ, और हमारी मीडिया भी काफ़ी अच्छा काम करती है पाकिस्तान को लेकर। हमारी जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी की कह लूँ चाहे कांग्रेस की कह लूँ चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान को ऐसे टारगेट करती है जैसे इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं इंडिया के अंदर की, और भी प्रॉब्लम है अपने देश के अंदर ही है, मगर फिर भी ये बोलते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान। इंडिया में महंगाई हो रही है मगर फिर पाकिस्तान में महंगा हो गया, इंडिया की महंगाई नहीं दिखती इनको। तो खैर मैं ये बात कर रहा था कि जो फॉर्च्यूनर है, आप लोगों को इंडिया में पता ही है कि कितने 25-30 लाख में स्टार्ट हो जाती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान में इसकी क्या रेट चल रहा है? क्योंकि भैया हॉट टॉपिक है ये, क्योंकि पाकिस्तान में इंडिया से महंगा मिलेगा तो इंडिया वाले ज़्यादा खुशी मिलती है ना, क्योंकि जो आरएसएस वाले जो हिंदुत्व का ज़्यादा ज़्यादा बखान करते हैं उनको ज़्यादा खुशी मिलती है ना, भैया पाकिस्तान में तो महंगा है, मोदी जी ने महंगा कर रखा है। तो वो उसके अलग अलग रीज़न है वहाँ पर महंगा होने के, ये नहीं है कि वहाँ पर महंगी है तो खुश हो जाओ। तो खैर मैं ये बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान में जो फॉर्च्यूनर आपको बिकती है उसकी जो वहाँ पर जितनी प्राइस है, उतने में आप लोग इंडिया के अंदर 2 महिंद्रा थार खरीद सकते हो। मतलब ये है कि जो वहाँ पे फॉर्च्यूनर बेची जा रही है इतनी महंगी है, और महंगी भी ऑब्वियस बात इसलिए भी है क्योंकि उनकी जो जीडीपी है इतनी लो है कि उनको टैक्सेस इतना लेना पड़ रहा है ताकि थोड़ी तो कमाई हो, वरना लोन ले लेंगे तो बंदा पागल हो जाए। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि टोयोटा फॉर्च्यूनर की पाकिस्तान के अंदर प्राइस क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा हॉट टॉपिक, कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, मतलब पाकिस्तान के बारे में। तो अगर आप हिंदुत्व, आरएसएस या बीजेपी की तरफ से हो तो भैया वीडियो मत देखना, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बोल चुका हूँ इसमें जो आप लोगों को ज़्यादा खल सकती हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मैं वीडियो को। तो इंडिया के अंदर जो टोयोटा फॉर्च्यूनर की प्राइस स्टार्ट होती है वो 30 लाख से स्टार्ट होती है, जो 38 लाख रुपये तक जाती है। और जो 38 लाख वाला आपको मॉडल मिलता है इंडिया के अंदर, वो मिलता है 2.8 लीटर वाला 4x4 मैनुअल ट्रांसमिशन, और ये जो कीमत है एक्स शोरूम है। वहीं अगर मैं बात करूँ इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर टोयोटा फॉर्च्यूनर की जो कीमत स्टार्ट होती है वो होती है 81,49,000 रुपये से, जो 98,49,000 तक जाती है। मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर आपको खरीदनी है फॉर्च्यूनर तो आपके पास 1 करोड़ जेब में होने चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर जो आपको 98,49,000 में फॉर्च्यूनर मिलेगी वो मिलेगी 4x4 1GD हाई डीजल। ये लगभग ऐसा ही वेरियंट है जो इंडिया के अंदर टोयोटा फॉर्च्यूनर 2.8 लीटर 4x4 मैनुअल ट्रांसमिशन है, मतलब सेम वारंटी आपको मिलेगा, और इसका नाम चेंज कर दिया वहाँ पे। और मैं आपको दोबारा बता दूँ, इंडिया में जो टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर की जो कीमत है वो है 38 लाख रुपये, वहीं पाकिस्तान के अंदर 98,49,000 रुपये टॉप मॉडल की। और अगर देखा जाए जितनी कीमत पाकिस्तान के अंदर फॉर्च्यूनर सिग्मा 4x4 1GD हाई डीजल की है, उतने रुपये में इंडिया के अंदर आप टॉप 2 टोयोटा फॉर्च्यूनर और 2 महिंद्रा थार खरीद सकते हो। तो आप लोग सोच रहे हो कि महिंद्रा थार तो बहुत महंगी आती है, 20-25 लाख की आती है, फॉर्च्यूनर भी 38 लाख की है, तो कैसे हम लोग एक टोयोटा पाकिस्तान की वैल्यू में ये 4 चीज़ खरीद सकते हैं? बता देता हूँ मैं, जो 2 महिंद्रा थार की जो कीमत है, बेस मॉडल की बता रहा हूँ मैं, वो है दो बता रहा हूँ दो कैलकुलेट करके, वो है 25.5 लाख रुपये, मतलब 12,28,000 रुपये एक की प्राइस होगी एक्स शोरूम। और जबकि 2 फॉर्च्यूनर की जो प्राइस है वो आपकी हो जाएगी 76,36,000 रुपये। और अगर हम इन चारों को जोड़ भी दें तो भी 1,20,000 रुपये होते हैं, जो कि अगर आप लोग पाकिस्तान में खरीदते हो टोयोटा फॉर्च्यूनर, वो ऑन रोड आते आते भी आपको 1.5 करोड़ के आसपास पड़ेगी। मतलब यह उससे सस्ती ही पड़ेगी इंडिया के अंदर चारों गाड़ियाँ ही। तो भैया अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या थोड़ी मज़ा आया हो, और अगर आप लोग उनसे नहीं हो जिनकी मैं बात कर चुका हूँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं बेबाक बोलता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। भैया हमको मतलब नहीं, हमको ये देखना है कि जो हमारे फ़ायदे के नहीं कर रहा उसको हम अगली बार नहीं लाएंगे, सीधा हिसाब है। हिंदुत्व वगैरह ठीक है, मगर अपना फ़ायदा भी तो देखना है कि भैया देश हमसे बनता है, उनसे नहीं बनता, देश सबको मिला के बनता है। तो खैर ये तो अलग बात है, ये थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दा जा रहा है, क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो ज़्यादा त्रस्त है इन चीज़ों से। तो बाकी अगर आपको बाइक्स कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, या आपको और भी कोई वीडियो चाहिए, या कोई भी मोटिवेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए भी इतना है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।